नोएडा की निक्की यादव हत्याकांड में बड़ा खुलासा, साहिल के परिजन भी निक्की की हत्या की साजिश में शामिल थे। वहीं पुलिस ने निक्की यादव हत्याकांड में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में साहिल के पिता, 2 भाई, 2 दोस्त शामिल हैं। जबकि साहिल और निक्की ने की शादी का भी खुलासा हुआ है। 2020 में नोएडा में एक आर्य समाज मंदिर में निक्की और साहिल ने रचाया था शादी। पुलिस ने निक्की और साहिल की शादी का सर्टिफिकेट बरामद करने का दावा किया है। निक्की और साहिल की शादी से खुश नहीं थे साहिल के परिजन। दिसंबर 2022 में साहिल की तय कर दी गई थी दूसरी शादी। जबकि पुलिस के मुताबिक 10 फरवरी को निक्की की हत्या के मात्र 12 घंटे बाद साहिल ने रचाई थी दूसरी शादी। फ्रिज में रखा था निक्की का शव। निक्की मर्डर केस में पुलिस आरोपी साहिल गहलोत को पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। पूछताछ में साहिल ने किया खुलासा, दूसरी शादी से रोक रही थी निक्की, इसलिए कर दी हत्या। निक्की हत्याकांड में कुल 6 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी। इनमें से एक आरोपी नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। नवीन साहिल का मौसेरा भाई है कांस्टेबल नवीन। निक्की के पिता के सुनील यादव के मुताबिक साहिल से निक्की की दोस्ती और शादी के बारे में कुछ नहीं पता था। निक्की के पिता सुनील यादव की मांग है निक्की को इंसाफ मिले, हत्यारों को दी जाए फांसी की सजा। दिल्ली के शुगरपुर इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 साल के बच्चे की हत्या कर दी। अवैध संबंधों के जाल में हत्याकांड को अंजाम दिया है। दिल्ली पुलिस ने हत्या आरोपी को किया गिरफ्तार। 4 साल के बेटे के सामने ही अपनी पत्नी और 2 साल के मासूम को चाकू से कूट डाला था। भिवानी में 2 मुस्लिमों को गाड़ी में जिंदा जलाने के मामले में एक आरोपी रिंकू सैनी गिरफ्तार। मेवात इलाके का बजरंग दल का कार्यकर्ता रिंकू सैनी। रिंकू सैनी को एक और आरोपी मोनू मानेसर का बताया जा रहा है करीबी। दोनों मेवात इलाके में गो तस्करी के खिलाफ चलाते हैं अभियान। वहीं भिवानी में एक जली गाड़ी में बुरी तरह से जली हालत में मिले थे 2 शव। इन्हें जुनैद और नासिर का बताया जा रहा है। अगवा करके हत्या करने का आरोप है। डीएनए जांच पर टिकी शिनाख्त। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नलिन कादिल को बीएसपी सांसद दानिश अली ने चुनौती दी है। श्रीरंगपट्टम में टीपू सुल्तान की मजार पर पहुंचे, खुद को बताया टीपू का फॉलोअर। टीपू की मजार पर पहुंचे दानिश अली ने टीपू सुल्तान को बताया हिंदुस्तान का पहला फ्रीडम फाइटर। गोडसे को बताया हिंदुस्तान का पहला आतंकी। को चैलेंज करना चाहता हूं, जो लोग जो गोडसे के फॉलोअर हैं, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले आतंकवादी के फॉलोअर हैं। दानिश अली बोले, मैं गोडसे के समर्थकों से वैचारिक लड़ाई लड़ने को हूं तैयार। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष नलिन कतिल की धमकी का जिक्र किया। वही कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कतिल ने कहा था टीपू का नाम लेने वालों का कर दिया जाएगा खात्मा। बेंगलुरु पहुंचे सचिन पायलट ने बीजेपी पर किया प्रहार, कहा 2024 में मोदी सरकार का होगा वाजपेयी सरकार जैसा साइनिंग वाला हाल, कांग्रेस गठबंधन जीतेगा चुनाव। सचिन पायलट ने कहा हिमाचल से हो चुकी है बीजेपी की हार की शुरुआत, 2024 में राजस्थान छत्तीसगढ़ और एमपी में भी बनेगी कांग्रेस सरकार। नोटबंदी जीएसटी और अदानी स्कैम से मोदी सरकार की असलियत जान गई है जनता। 24 में ये लोग बहुत ऐसी वाजपेयी जी भी रखते थे इंडिया शाइनिंग के चक्कर में, उन्होंने वो चुनाव हारे थे। वही भूल ये लोग कर रहे हैं, नोटबंदी करने के बाद, जीएसटी करने के बाद, ये तवड़ा अडानी का स्कैम हो गया, पब्लिक सब जान गई है। 24 के अंदर हम लोग हमारी सरकार गठबंधन लोकसभा के चुनाव में जीतेगी। राजस्थान में दूर नहीं हो रहा सचिन पायलट और सीएम गहलोत के बीच का मनमुटाव। मीडिया ने सचिन पायलट से किया सवाल, अगले चुनाव में क्या पायलट होंगे सीएम का चेहरा? सचिन बोले, आलाकमान सही वक्त पर करेंगे सही फैसला। आज से 2 दिनों तक राजस्थान में असदुद्दीन ओवैसी का चुनावी मिशन, रैलियों को करेंगे संबोधित। आज भरतपुर में ओवैसी की जनसभा। कल टोंक के गांधी मैदान में होगी ओवैसी की रैली। अलवर के तापू कड़ा में पार्टी के कार्यालय और उद्घाटन का कार्यक्रम है और रामगढ़ में जनसंपर्क कार्यक्रम से भी जुड़ेंगे ओवैसी। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में छिड़े घमासान के बीच सीएम केजरीवाल के लिए राहत भरी खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मनोनीत सदस्य दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए नहीं कर सकते मतदान। मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम, कहा 24 घंटे में चुनाव की तारीख की घोषणा करें एलजी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्साहित दिखे सीएम केजरीवाल, फैसले को बताया लोकतंत्र की जीत का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित होता है कि एलजी बीजेपी कैसे अवैध असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा दिल्ली मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी के मुंह पर तमाचा। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी ने एक बार फिर से अपनी पार्टी के सांसद गौतम गंभीर पर किया वार, डंपयार्ड के आवंटित धांधली का आरोप लगाया, सीबीआई जांच की मांग की।
बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी ने गृहमंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा। डंप यार्ड की जमीन पर यूज बदलकर जन रसोई और पुस्तकालय के लिए निजी संस्था को देने का आरोप लगाया। देश में लाई गई चीतों की दूसरी खेप, इस बार दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते। उधर दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लेकर ग्वालियर पहुंच चुका है विमान, एयरपोर्ट पर हुई सुरक्षित लैंडिंग। इन चीतों को भी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाना है। पहले नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क का बनाया गया था मेहमान। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, एकनाथ शिंदे गुट को चुनाव आयोग ने दिया शिवसेना का नाम। चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी शिंदे गुट को देने का फैसला, शिंदे गुट में जश्न का माहौल। फैसले से नाराज उद्धव ठाकरे ने कहा, देश में लोकतंत्र हो चुका है खत्म, शिंदे पर लगाया चोरी का आरोप, बोले दम है तो चुनाव लड़के दिखाएं शिंदे। फैसले के बाद बाला साहेब मेमोरियल पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे, चुनाव आयोग के फैसले को बताया बाला साहेब के विचारों की जीत। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एकनाथ शिंदे को बधाई दी, कहा शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। चुनाव आयोग के फैसले पर आज ठाकरे ने बाला साहेब के भाषण का वीडियो किया ट्वीट, लिखा पैसे आते जाते रहेंगे लेकिन नाम कैसे कमाओगे। बीजेपी नेता राम कदम का उद्धव ठाकरे पर प्रहार, कहा पालघर के साधुओं की चीख नहीं सुनी इसलिए उन्हें लगा साधुओं का श्राप। चुनाव आयोग के फैसले पर एनसीपी नेता शरद पवार का बयान, बोले उद्धव ठाकरे को परेशान होने की जरूरत नहीं, नया निशान लेकर करें नई शुरुआत। शिवसेना विवाद से जुड़े महाराष्ट्र विधानसभा मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फिलहाल बड़ी बेंच में केस भेजने की जरूरत नहीं, 21 फरवरी को मेरिट के हिसाब से होगी केस की सुनवाई। पिछले साल शिवसेना में 2 फाड़ के बाद उपजा था यह विवाद, ठाकरे गुट ने शिंदे समेत शिवसेना के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की स्पीकर को दी थी याचिका। उद्धव ठाकरे आज 1 बजे अपने सांसदों और विधायकों के साथ करेंगे बैठक, मातोश्री में होगी यह मीटिंग। वही देश में आज मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि पर्व, उज्जैन में महाकाल की आरती के बाद किया गया भव्य श्रृंगार, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा। जबकि महाशिवरात्रि पर गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव की विधिवत पूजा अर्चना की, भगवान भोले का किया रुद्राभिषेक। काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक को उमड़े शिव भक्त, सुबह से लगी लंबी लाइन। उधर हरिद्वार में शिव की ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता, सुरक्षा के इंतजाम करे। ऋषिकेश में नीलकंठ मंदिर में जलाभिषेक के लिए उमड़े शिव भक्त, लगी लंबी कतार। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में लगा शिव भक्तों का तांता, बंगाल से आए कारीगरों ने की मंदिर में साज सज्जा। जबकि गाजियाबाद में दुधेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु की लंबी कतार, इस मंदिर के में भक्तों में खास मान्यता है। महाशिवरात्रि पर प्रयागराज में संगम तट पर उमड़ी आस्था की भीड़, किया आस्था का स्नान, आज से खत्म होगा माघ मेला। गुरदासपुर में शिव मंदिर में पूजन अर्चन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, जलाभिषेक के लिए लंबी कतार। आगरा में ताज महोत्सव के आयोजन को लेकर शिल्पग्राम की सजावट शुरू, 20 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक चलेगा महोत्सव। 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर खुलेंगे बाबा केदार के कपाट, 21 अप्रैल को ऊखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर केदारनाथ रवाना होगी डोली। वैद्यनाथ धाम में लाखों शिव भक्तों की उमड़ी भीड़, ज्योतिर्लिंग में शुमार इस मंदिर की खास मान्यता है। महाशिवरात्रि पर मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में भी लगा शिव भक्तों का तांता, शिव पार्वती का मनाया गया विवाह उत्सव। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजन को उमड़े श्रद्धालु, महाशिवरात्रि पर मंदिर की दिखी भव्य साजो सज्जा। जबकि जमशेदपुर में सलगानजुरी के पास 2 मालगाड़ियों में टक्कर, टाटा हावड़ा रूट पर यह बाधित रहा रूट। हरदोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन, 874 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। औरंगाबाद शहर की 120 लड़कियों ने वर्ली पेंटिंग बनाकर इंडिया रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवाया अपना नाम। matrimony.com की भारत में अनोखी पहल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल में पहली बार चैट जीपीटी और मिडजर्नी का इस्तेमाल। गाजियाबाद में इंदिरापुरम के भरत राम ग्लोबल स्कूल में कला उत्सव और प्रदर्शनी का आयोजन, छात्रों ने मीडिया विरासत पारिस्थितिकी और विज्ञान पर दिखाए अपने हुनर। भरत राम ग्लोबल स्कूल के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक और भाषा संगम जैसे कार्यक्रमों की दी प्रस्तुति, इसरो पर स्पेशल आयोजन ने किया सबको मंत्रमुग्ध। दरभंगा में सेना में मुस्लिम आरक्षण की मांग करने वाले जेडीयू नेता गुलाम रसूल वालवी के बयान पर भड़के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, कठोर कार्रवाई की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का अजमेर दौरा रद्द, 2 गुटों में झड़प होने के बाद फैसला।
आसनसोल में गो तस्करी मामले में अनुव्रत मंडल की विशेष सीबीआई अदालत में पेशी हुई, 14 दिनों के लिए भेजा गया जेल। फिरोजाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा, मरीजों से बात करने के लिए जमीन पर बैठे डिप्टी सीएम। वहीं लखनऊ में चीनी उद्योग के 120 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चीनी उद्योग की विकास यात्रा को बताते हुए कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। सीकर में नाबालिग से रेप का आरोपी किया गया गिरफ्तार, शादी समारोह में आई नाबालिग से गाड़ी में किया था गैंग रेप। दिल्ली में एक मां ने 7 साल की बेटी को पंखे पर लटकाकर कोयले से जलाया, पुलिस ने आरोपी मां को किया गिरफ्तार। पंजाब के संगरूर में मामूली विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, दोस्त पर लगा हत्या का आरोप। मेरठ में 70 साल के बुजुर्ग पर 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, आरोपी बुजुर्ग गिरफ्तार हुआ है। वहीं पलवल में ऑटो को तेज रफ्तार स्कूली बस ने टक्कर मार दी, हादसे में एक ही परिवार के 3 युवती सहित 5 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। जबकि सहरसा में उत्पाद विभाग की टीम ने 14 शराब कारोबारी सहित 33 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान की बूंदी में पुलिस का बड़ा खुलासा, 13 साल के बच्चे से शादी में करवाई जाती है चोरी, गैंग के सदस्यों की तलाश जारी है। नोएडा में चाइनीज लोन ऐप के वसूली गिरोह का पर्दाफाश, वीडियो बनाकर करते रहे ब्लैकमेल, 3 आरोपी गिरफ्तार। रामपुर में एक परीक्षा केंद्र से डमी कैंडिडेट गिरफ्तार, कॉलेज प्रशासन ने परीक्षार्थी को किया था पुलिस के हवाले। वहीं असम के जोरहाट में 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, 300 से अधिक दुकानें जलकर खाक। जबकि इंदौर में गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर दूसरे व्यक्ति को देना पड़ा महंगा, आरोपी प्रेमी ने दोस्त को अपहरण करके बेरहमी से मारपीट की। हाथरस में ट्रेन से कटकर एक कांवड़िए की दर्दनाक मृत्यु हो गई, पुलिस ने शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रायसेन में नर्मदा नदी में डूबी कई दुकानें, बहा हजारों का सामान, श्रद्धालुओं को हो रही है खासी परेशानी। बेगूसराय में मोबाइल लूटने के बाद बदमाशों ने की बाइक सवार महिला की गोली मारकर हत्या, बदमाशों की तलाश जारी। समस्तीपुर में बाइक की सीधी टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, महिला सहित 3 लोग गंभीर तौर पर जख्मी है। लखनऊ में यूपी रोडवेज की बस पलट गई, कई यात्री गंभीर तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। ललितपुर में नकली ब्रांडेड मसाले बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में मसाले और बैंड डिस्पोजल बरामद। लातेहार में ब्लॉक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों में तनातनी का मामला है, प्रशासन से नाराज होकर विकास पदाधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शन। राजस्थान के बूंदी में टीचर ने फोड़ा प्रिंसिपल का सर, प्रिंसिपल के पढ़ाई को लेकर टोकने से नाराज था टीचर। जबकि दिल्ली में रेप के झूठे आरोप में रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है, पुलिस ने आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। उडुपी में एक अमानवीय हरकत हुई कैमरे में कैद, 2 सब्जी विक्रेता एक शव को सड़क के बीच में फेंकते नजर आए। ईटानगर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प, 4 सुरक्षा अधिकारियों सहित 10 लोग घायल, धारा 144। शामली में मृत घोषित युवक निकला जिंदा, सरकार कई दिनों से घोषित कर चुकी थी मृत से। दिल्ली के आश्रम फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में देरी का दिखा असर, यातायात पर लगातार लग रहा है लंबा जाम। समस्तीपुर में ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट से कब्रिस्तान में आग लग गई, एक बाइक जलकर खाक। जबकि मथुरा में 8 साल की नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास, लगा 35,000 का जुर्माना। दिल्ली के लॉरेंस रोड से गोदाम में आग लगने की मिली सूचना, 20 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद। अमृतसर में पुलिस और गैंगस्टर में हुई मुठभेड़, गैंगस्टर का पीछा करते हुए पुलिस का सीसीटीवी फुटेज सामने। हरदोई में ग्रामीणों की सतर्कता से पुलिस से बरामद किया गोवंश से भरा कंटेनर, 24 गोवंश की मौत, गो तस्कर हुए फरार। रायगढ़ में साइबर सेल टीम ने 200 से ज्यादा लोगों के मोबाइल फोन वापस लौटाए, मोबाइल लेने वालों के चेहरे पर खुशी दिखी।